नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। खबर पौरी अनुभाग के बैरार थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम एसवाया की है, जहां तालाब में गिरने से दो लोग डूब गए। जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक शख्स का शव सोमवार की देर शाम को निकाल लिया, वहीं मंगलवार की सुबह दूसरे शख्स के शव को भी पुलिस ने तालाब से निकाल लिया है। जहां एसडीओपी निरंजन सिंह राजपूत के नेतृत्व में मंगलवार को 3 घंटे का रेस्क्यू चला, जिसके बाद शख्स के शव को निकाल लिया है। जानकारी के अनुसार सोमवार की देर शाम तालाब के पार एसवाया के ही दो लोग कंचन आदिवासी और रतिराम आदिवासी बैठे हुए थे, जहां पैर फिसलने से दोनों लोग तालाब में गिरकर डूब गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कंचन आदिवासी के शव को सोमवार देर रात बाहर निकाल लिया। वहीं अंधेरे के चलते रेस्क्यू रात को नहीं किया, जिसके चलते मंगलवार की सुबह 3 घंटे के रेस्क्यू के बाद रतिराम के शव को भी पुलिस ने तालाब से निकाल लिया। पुलिस ने दोनों शवों को बैरार पीएम हाउस भेज दिया है। बैरार क्षेत्र थाना अंतर्गत ग्राम एसवाया में दो लोगों की मौत हुई, क्या मामला है? कल ग्राम एसवाया से खबर आई थी दोपहर में कि दो लोग तालाब के किनारे बैठे थे, उनका पैर फिसल गया है, जिस वजह से तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों के माध्यम से इसमें सर्च कराया तो एक की बॉडी कल मिल गई थी, जिसका नाम कंचन आदिवासी था। एक बॉडी नहीं मिली, काफ़ी प्रयास किया, उसके बाद एसडीआरएफ की टीम बुलाई और आज एसडीआरएफ टीम के माध्यम से दूसरे व्यक्ति की बॉडी भी मिल गई है, जिसका नाम रतिराम आदिवासी है। दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।